नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। अकबर सवेरे नित्य प्रतिदिन सैर करने निकलता था। आज उसके साथ उसका शहजादा और मंत्री बीरबल भी था। आज का मौसम बेहद ही खुशनुमा था, हवा में ताजगी थी, इसलिए आज भ्रमण का आनंद ही कुछ अलग था। इस आनंद में अकबर अपने महल से काफी दूर निकल गया था। बात बात में अकबर बीरबल से सवाल करता, बीरबल के हाजिर जवाब से अकबर शब्दहीन हो जाता। यह केवल आज की बात नहीं है, हमेशा ही इसी प्रकार दोनों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला चला करता था। हवा की ताजगी को महसूस करते करते अकबर महल से लगभग 10 मील दूर चले गए थे। धीरे धीरे धूप तीव्र हो रही थी। राजा ने अपना पोशाक उतारकर बीरबल के कंधे पर रख दिया। बीरबल राजा की पोशाक अपने कंधे पर लिया पीछे पीछे चल रहा था। तभी शहजादे को भी गर्मी महसूस हुई, अपना भारी भरकम पोशाक उतारकर बीरबल को थमा दिया। बीरबल भी इंसान था, उसे भी गर्मी लग रही थी, किंतु वह अपने पोशाक उतारकर किसको देता। गर्मी के मारे बीरबल की भी हालत खराब हो रही थी, वह धीरे धीरे चलने लगा। अकबर ने बीरबल की चाल को देखते हुए कहा, तुम एक गधे का भी बोझ नहीं उठा सकते। बीरबल ने अपने हाजिर जवाब का परिचय देते हुए कहा, नहीं मालिक, एक गधा नहीं दो गधे का बोझ है। अकबर जवाब चौंक कर स्तब्ध रह गया, काफी दूर चुपचाप ही चलता रहा। किंतु बीरबल के साथ रहते वह अधिक देर तक चुप नहीं रह सकते थे। फिर वार्तालाप आरंभ हो गई।